हेल्दी ट्यूसडेज में हम बनाएंगे मसाला ओट्स जो बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट करते हैं, तो रेडीमेड सैशेज को बोलिए बाय। एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे जीरा। अब आप इसमें डालें बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। हमें इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ये हल्का ट्रांसलूसेंट हो तब तक हमें इसे पकाना है। आप देखें अनियंस में बहुत प्यारा कलर आ चुका है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर डाल के आपको इसे 2 मिनट तक और कुक करना है। आप स्पून की हेल्प से टमाटर को मैश करें। इसको हम तब तक पकाएंगे तब तक ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 से 2 मिनट आपको लगेगा टमाटर को कुक करने में। अब आप देखें 2 मिनट बाद टमाटर बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हो चुके हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी बॉयल्ड पीस, ये आप फ्रोज़न डालें, बॉयल डालें। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ आप 1 मिनट ढक के पकाएं, क्योंकि मटर हमारे ऑलरेडी बॉयल्ड हैं और शिमला मिर्च में थोड़ा अगर क्रंची टेस्ट आता है वो बाइट अच्छी लगती है। तो आप इसे 1 मिनट पकाएं। आप देखें वेजीज हमारी बिल्कुल परफेक्टली इस पॉइंट पे कुक हो चुकी हैं। मसालों में अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सॉल्ट। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ये बिल्कुल बाजार जैसे मज़ेदार मसाला ओट्स बनते हैं, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप डालें थोड़ा सा पानी अगर मसाले आपके चिपक रहे हैं। आप इसमें अपनी चॉइस की कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी ओट्स। अब आप इसको भी अच्छे से मिक्स करें। इसमें कॉर्न भी बहुत अच्छा लगता है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जब पानी, तो आप ध्यान रखें पानी का रेशियो और ओट्स का 1:3 होता है, मतलब अगर 1 कप ओट्स हैं तो पानी 3 कप होगा। ओट्स ज़्यादा पानी पीते हैं तो आप ध्यान रखें इस रेशियो को और उस तरह से आप अपनी रेसिपी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक ढक के पकाएंगे। आप बीच बीच में इसको चेक करते रहें, मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएं। आप देखें 4 मिनट बाद इसमें अच्छे बॉयल्स आ गए हैं। ये परफेक्ट टेक्सचर है, मैं बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं पसंद करती, दिस इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट। गार्निश करें आप इसको हरे धनिए के साथ, ये टेस्ट बहुत बढ़ा देती है। अगर आप चाहें तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेमन जूस भी बहुत बढ़िया टेस्ट देगी इस मसाला ओट्स को। तो लीजिए तैयार है आपके मसाला ओट्स, ज़रूर बनाएं इसे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले एक नोटिफिकेशन आए।